नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनर्जी फाइनेंस पर। तो दोस्तों, जैसा कि डेली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और वो भी कम से कम समय में। तो चलिए आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और इसके साथ में दो तीन स्टॉक्स जो मैंने देख रखे हैं, मैं उनके बारे में भी उनके लेवल डिस्कस कर दूंगा। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लेवल सपोर्ट डिस्कस किया था, और अगर आपने गौर किया होगा तो आज आपने देखा होगा कि सेम सपोर्ट लेवल से दोनों बैंकों ने रिवर्स लिया है, सपोर्ट वहां पे लिया है। अब आगे की उनकी क्या चाल होगी, डेफिनेटली वो भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियो होंगे वो वीडियो टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के एनालिसिस से। तो देखिए, ये अभी डेटा मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया इधर, ठीक है, ये कल का ही डेटा है जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये 11,960 यानी 11,960 का एक सपोर्ट बोला गया था आप लोगों से। तो अगर आज का अगर आप लो देखोगे 11,956 का है, 11,956 का है। और अगर देखोगे कहीं ना कहीं जो सपोर्ट निफ्टी ने लिया, इसको एक काम कर दो आप, आवरली कैंडल बनाइए, आवरली अगर बेसिस पे देखोगे आकर के, तो ये देखिए ऑलमोस्ट 11,958-56 के आसपास में आया है, और एक सपोर्ट जो बनता दिखा ऑलमोस्ट 11,964 और 65 के लेवल पे। तो यानी कि ये लेवल हमारे सपोर्ट लेवल अभी भी वैलिड है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में आप देखिए, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ गया, लेकिन इस बार क्या हुआ आप एग्जैक्टली देखोगे, जब इसने रिवर्स लिया है, रिवर्स लेने के बाद इसने कहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, 12,004 के आसपास में, और एक जो इसका रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 12,008 के आसपास में है। यानी कि अगर अब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारा जो देखिए लेवल है, यानी 12,006 यानी कि 12,006 का जो लेवल अभी बन गया है हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको अपडेट करके यहां पे आप इसको अपडेट कर देंगे। फिर देखिए, ये जो हमारा 12,030 यानी 12,030 का भी जो एक सपोर्ट था, ठीक है, 12,030 का सपोर्ट, ये देखिए ठीक ठाक इसने अभी भी मेंटेन किया था आज ऑलमोस्ट, लेकिन अब ये हमारा चूंकि हम लोग निफ्टी के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग जो है इसकी ऑलमोस्ट 12,000 की क्लोजिंग है, तो हमारा ये जो लेवल हो जाएगा इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखिए ज्यादा नहीं, 30-30 पॉइंट के रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस मैटर करते हैं दोस्तों। जब आप लोग 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपके लिए मैटर करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, सपोर्ट हमारे पास केवल दो हैं, ठीक है, बाकी दोस्तों रेजिस्टेंस सेम रहेंगे, 12,006, 12,030, 12,060 एंड देन 12,100 तक के लेवल हम लोग कल रेजिस्टेंस लेवल में हम लोग 100 पॉइंट का मूवमेंट मैक्स टू मैक्स देख सकते हैं। मगर अगर आप ओवरऑल अभी भी मुझसे पूछोगे तो जो देखिए मेरा जो एक व्यू बना हुआ है, मुझे अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये लेवल एक बार टेस्ट होना चाहिए। फ्राइडे को देखिए आरबीआई की पॉलिसी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट होगा, बट उसके पहले आज तो देखिए 11,960 टच हुआ है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक ये लेवल भी टच हो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कल। तो ओवरऑल मैं 60% बियरिश हूं, ठीक है, 60% बियरिश रहूंगा निफ्टी में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जब तक निफ्टी जो है 12,030 या 12,000 के ऊपर है, यानी इट इज ट्रेडिंग अबाउट 12,000, देन आई एम बुलिश, एंड वंस इट क्लोजेस बिलो 12,000 देन आई एम बियरिश, ठीक है। तो बियरिश हूं, लेकिन इस लेवल तक का 11,920 का, अगर लेकिन इसके नीचे का एक सपोर्ट और हम लोग ले लेंगे साथ में, तो वो दोस्तों सपोर्ट क्या होगा, ये इसको आप एक काम करेंगे, हम लोग फिर से डेली चार्ट पे आ जाएंगे। तो डेली चार्ट पे अगर आप आते हो तो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है यानी कि हमारा 11,870 के आसपास में ये हमारा लास्ट सपोर्ट रहेगा। तो मेरे पास तीन सपोर्ट हैं अभी आपके पास, ठीक है, और उसके बाद में रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ के मैंने शेयर कर दिए हैं। अब चलिए देखिए, इसमें मैंने अपना व्यू भी बोल दिया, ओवरऑल 60% टाइम बियरिश, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लेवल एक बार फिर से निफ्टी को नीचे आएगा और ये कहीं ना कहीं टच करके जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी एक चीज अगर आप देखो, डे बाय डे ये कैंडल थोड़ा बड़ी होती जा रही है, ठीक है, ये कैंडल का साइज बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब एक जो देखिए इसका सपोर्ट लेवल था ऑलमोस्ट
31,630। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का जो कल हम लोगों ने लेवल देखे थे, यस्टरडे वी सॉ द लेवल सपोर्ट, 31,680 का एक सपोर्ट देखा था और उसके पहले 31,750 का सपोर्ट देखा था। तो देखिए अब ये सपोर्ट, अब और तीसरा सपोर्ट जो था 31,470 का था। तो अगर आज आप आपका लो, आज का लो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 के पास में आया है लो, 31,500। तो यानी कि ये सपोर्ट कहीं ना कहीं अभी भी बचा हुआ है। 680 का अगर आप सपोर्ट देखोगे, ठीक है, 680 का सपोर्ट, तो ये भी आज ब्रेक हो गया और ये वाला भी ब्रेक हो गया। और इसके साथ में दोस्तों इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग भी कितना है, 630 के आसपास में है, ठीक है। तो यानी हमारे ये जो दो सपोर्ट हैं ये हमारे अब निकल जाएंगे यहाँ से, और ये कहाँ आ जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 11,680 एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी दिस वन। तो ये हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक। एक काम करते हैं, इसको आवरली चार्ट पे आते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा और क्लियर ट्रेंड मिलेगा। अब देखिए ये जो एक रजिस्टर, अभी एक सपोर्ट बनता दिखा 31,510 के आसपास में मिला है, ठीक है। और एक जो देखिए रजिस्टेंस, अब ऊपर की तरफ अगर हम लोग रजिस्टेंस ढूंढेंगे, तो जब आप ऊपर की तरफ रजिस्टेंस ढूंढोगे तो ये देखिए यहाँ पे एक रजिस्टेंस बनता दिख रहा है 31,730 के आसपास में। तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर हैं, तो देखिए ये रजिस्टेंस हमारे पास मेंटेन है, नो डाउट। और उसके पहले वाला एक रेजिस्टेंस और मेंटेन रहेगा। वैसे इसको अब हम लोग हटा देते हैं दोस्तों, मगर इसको रखते हैं। रीजन ये है कि देखिए अगर कल बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, कल बैंक निफ्टी अगर ऑलमोस्ट 31,000, ये यहाँ पर आप देखिए अब ये जो कैंडल का विक है ऑलमोस्ट 31,699 यानी 670 के आसपास में है। तो यानी कि अगर 679 के ऊपर निकल जाए और 680 ब्रेक कर जाए, देन वी कैन सी दिस लेवल। यानी कि आप क्लियर अगर कैंडल में देखेंगे, ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल जो इसका विक जो है वो है 31,670 के आसपास में। तो अगर 670 के ऊपर आए, उसके बाद में इसको 680 को क्रॉस कर जाए, 10 पॉइंट कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं बैंक निफ्टी में, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लेवल सोच सकते हैं। तो यानी नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये वाला रहेगा। सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो पहला सपोर्ट जैसा कि मेंटेन हुआ है, अभी हमारा ये सपोर्ट बन के आ जाएगा 31,500 का पहला सपोर्ट। और दोस्तों बैंक निफ्टी में देखिए ये तीन सपोर्ट मैं वैलिड मानता हूँ। रीजन अभी भी बैंक निफ्टी अगर गिरता है, ठीक है, इन केस अगर, हालांकि आवरली चार्ट में इसने रिवर्सल दिया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 680 तक जा सकता है, 31,680 या 750 तक। बट अगर वहां से गिरता है, ठीक है, अगर आप आवरली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, इसको यहां से यहां लाइए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस जगह पे आकर के, यानी कि ऑलमोस्ट 31,800 के आसपास आकर के ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो उस केस में दोस्तों हमारे पास नो डाउट रेजिस्टेंस लेवल अभी भी है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल जो होगा एक हमारा कहाँ गया, 740 यानी 750 का रेजिस्टेंस जो है, इसको जरूर अब हम लोग अपडेट कर लेंगे। ऑलमोस्ट कितना रहेगा ये रहेगा दोस्तों आपका 31,810 के आसपास में है। तो इसको हम लोग 800 कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए 31,800 का हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेकर के चलेंगे, उसके बाद में दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक की। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा हो दोस्तों, इसका चार्ट मैंने शेयर नहीं किया था, यानी जो मेरी पर्सनल सेटिंग्स थी वो मैंने सेव नहीं की है। मगर अगर आपको देखना है कि मैंने कब शेयर किया था, तो डेफिनेटली आप कल के चार्ट में यानी कल के वीडियो में जाइए, वहां पे जाकर के आप टेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट आपको 505 का रेजिस्टेंस बोला था, आप क्लियरली वहां पे वीडियो में जाओगे आपको पता चलेगा। और वो रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए इसने क्या डेवलप किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखोगे, कहीं ना कहीं एक हैमर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जो ये हैमर कैंडल है ये इस बात का इंडिकेशन देती है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है आपको ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। ऊपर की तरफ अगर मूव देता है तो कहां तक के लेवल आपके लिए वैलिड रहेंगे वो मैं आपको बोल देता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, 513 यानी कि 513 और कहीं ना कहीं 516 तक के लेवल वैलिड है आईसीआईसीआई बैंक में अबाउ, ठीक है, अपसाइड में। डाउन साइड में दोस्तों कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फिर से लेते दिख सकता है आपको,
508 यानी 508 एंड 505 के लेवल पे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज और दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखोगे डिलीवरी, देखिए ये यानी कि आज 3 दिसंबर की डिलीवरी देखोगे आप कितना है, 52%, ठीक है। यानी कि आज जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने रहे, ठीक है, उसमें टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो थी उस वो थी आपकी ऑलमोस्ट कितनी, 1 करोड़ 27 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 27, आप इसको ऑलमोस्ट 28 बोलिए, तो उसका 52% दोस्तों डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं एक थोड़ी फिर से इसमें बुलिशनेस दिख रही है आईसीआईसीआई बैंक में, तो हो सकता है आपको 513 और 516 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अदानी पोर्ट। दोस्तों ये स्टॉक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, रीजन है उसका, अदानी पोर्ट देखिए जो ऑलमोस्ट इसकी आज अच्छा खासा ये गिरा है यहाँ पर, ठीक है। गिरने के बाद में एग्जैक्टली इसकी जो क्लोजिंग अगर आप देख पा रहे हो, तो क्लोजिंग इसकी जो है वो है कहाँ पर, इसके सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। इसको और थोड़ा ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा अदानी ने लिया हुआ है, आज ही नहीं है, पहले का आप अगर डेटा देखोगे तो पहले के डेटा से आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट लिया था, ये ब्रेक हुआ था, और जब ये ब्रेक हुआ था तो ऑलमोस्ट कितना नीचे आ गया था, 340 तक ये आ गया था। इसके पहले भी यहाँ पे ब्रेक किया था, सॉरी यहाँ से रिवर्स लिया, यहाँ भी रिवर्स लिया, यहाँ भी रिवर्स लिया, यानी कई जगह आप देख सकते हो रिवर्स लिया, कई जगह इसने नीचे की तरफ ब्रेक भी किया है। तो दोस्तों अगर नीचे की तरफ अब ये लाइन ब्रेक हो जाए, यानी 359 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो नेक्स्ट लेवल के जो सपोर्ट देखिए रहेंगे वो 356 का रहेगा ऑलमोस्ट, एंड देन उसके बाद में एक अगर आप देखोगे ये हमारा ऑलमोस्ट बन रहा है, अगर ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 से 5 कैंडल आपको बनती दिखेंगी, यानी कि ये ऑलमोस्ट 350 का लेवल कहीं ना कहीं आपको टच करवा सकता है। अगर ये कल 358 ब्रेक कर देता है तो आपको ऑलमोस्ट कितना दे देगा, 350 तक का लेवल दे सकता है। अदरवाइज दोस्तों यहां से रिवर्सल भी पॉसिबल है, क्योंकि एक रिवर्सल जोन है, कई बार अदानी पोर्ट ने यहां से रिवर्स लिया है। अब चलिए एमएम महिंद्रा एंड महिंद्रा में आते हैं। तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक चीज आज कॉमन आई है, ठीक ठाक देखने के लिए आई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। वो है दोस्तों ये कैंडल, देखिए ये कैंडल ऑलमोस्ट किस चीज का पैटर्न बना रही है, वो है हमारा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो दोस्तों बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है तो, मगर रीजन ये है यहाँ पे ये इतना वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये गिर रहा है, स्टॉक कई दिनों से गिरता चला आ रहा है, और गिरने के बाद इसने बियरिश इंगल्फिंग दिया, तो इसका देखिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो नीचे के लेवल 515 यानी 515 दिखा सकता है, और साथ में 510 तक के लेवल दिखा सकता है। अब दोस्तों बस हमें वेट करना है, कल मार्केट को देखना है कि अगर 515 510 अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बन जाएगी, यहाँ से रिवर्सल के चांस आपको मिल जाएंगे। तो इस पर थोड़ा नजर बना के रखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इंडिगो की अगर बात कर लें दोस्तों, इंडिगो में भी सेम स्टोरी है, इंडिगो भी देखिए ऑलमोस्ट अपने लेवल के पास आज इसने ट्रेड किया, 390 इसका सपोर्ट है। अगर 390 कल ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं देखिए जो लेवल बनेंगे 380 के, और डाउन साइड में ऑलमोस्ट 1380 और 1360 के इंडिगो में लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर कल इसने 1390 को ब्रेक कर दिया, यानी 1390 ब्रेक करता है तो आपको 1380 और 1360 के लेवल दिखा सकता है इंडिगो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।